मध्य प्रदेश में उमरिया जिले के पाली तहसील के ग्राम सुंदरी में दो वर्षों से नल जल योजना ठप पड़ी है। गर्मी बढ़ने के साथ ही गांव के तालाब व दूसरे जल स्रोत सूख गए हैं और हैंडपंप भी पानी की जगह हवा उगल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीणों को प्यास बुझाने के लिए नल जल योजना से ही उम्मीद थी कि पानी मिलेगा, लेकिन ग्राम सुंदरी के ग्रामीणों का कहना है कि नल जल योजना चालू होने के बाद केवल एक सप्ताह चलकर बंद हो गई, लेकिन पीएचई विभाग कभी देखने तक नहीं आया। दो साल से यह नल जल योजना बंद होने के कारण ग्रामीणों को बूंद बूंद पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। नल जल योजना से बनी पानी की टंकी बनने के बाद ग्रामीणों में खुशियां लौट आई थी कि पानी की किल्लत से अब निजात मिलेगा। पिछले दो वर्षों से यह नल जल योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। एक हैंडपंप के सहारे सुंदरी गांव पी रहा पानी। ग्रामीणों का आरोप है कि पीएचई विभाग की लापरवाही उन्हें लगातार पेयजल संकट की ओर ले जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप पांडे ने कहा कि आपके द्वारा यह मामला सामने आया है, इसको लेकर मैं अति शीघ्र जिला कलेक्टर और पीएचई विभाग से मिलकर जल्द से जल्द बंद पड़ी नल जल योजना को चालू कराने का प्रयास करूंगा। समस्या सर, जन टंकी बनना है, इसमें आज तक कोई अधिकारी तक आके चेक नहीं करता कि पानी निकलता कि नहीं निकलता, कि किसी घर घर जाता कि नहीं जाता है। अब ये जब तक बरसात है तो पानी निकलता है, बरसात कम हो जाएगा तो पानी भी बंद हो जाएगा, तो नदी से लाना पड़ेगा पानी, ढोते हैं आदमी, घाट चढ़ाएंगे कि कितना ढोएंगे बताओ। नल जल योजना जो टंकी बंद है, बंद है। कब से बंद है? अरे कम से कम एक दो दिन चला होगा, नहीं तो बंद है। आजकल कोई अधिकारी तक यहाँ कितने साल हो गया है, कितने साल हो गया यहाँ बना होगा? दो साल हो गया होगा इसका बने, यहाँ तब से बंद है। कैसे पानी भरता है? पानी जो उसमें जो ऊपर नहीं जाता तो कहाँ से पानी, जब नीचे से नहीं आता तो ऊपर कहाँ चढ़ेगा सर? क्या पाइप लगे मोहल्ले में? पाइप लगा है मोहल्ला में, आधा दूर तक पाइप लगा, बाकी आधा दूर तक पाइप नहीं लगा है। क्या चाहते हैं शासन से? शासन से यह चाहते हैं कि हर मोहल्ले में पाइप लगना चाहिए, हर घर घर पानी मिलना चाहिए। पानी का ये है कि ये लगी है नल, टंकी बनी है तो इसमें पानी नहीं आ रहा है, दो चार दिन चलाए, दो दिन फिर बंद हो गई, पानी नहीं निकल रहे। कितने साल से बंद है ये? ये दो साल से बंद है। बंदने के बाद चला था? थोड़ी बहुत चले थे एक दो दिन, उसके बाद बंद है। बंद है। शासन क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहते हैं कि पानी मिले घर घर सबको, यही चाहते हैं। जो भी बनी है तो किस लिए बनी है, पानी नहीं मिल रहा है। सुंदरी क्या समस्या है? समस्या है कि जो ये बना है ये टंकी है ना, घर घर नल योजना का वो किए, इसमें हैंडपम्प से स्कूल का हैंडपम्प से लोग कनेक्शन किए है ना, एक दिन पानी चलाए, सबका फोटो खींचे कि हाँ हम तुम्हारे घर में नल योजना आ रहा है, पानी आ रहा है, ठीक जी। और इसके बाद फोटो खींचने के बाद दोबारा पानी नहीं गया वहाँ, न यहाँ बोर हुआ न कुछ नहीं है। इस हैंडपम्प में खुद पानी नहीं रहता, गर्मी मार्च के बाद पानी नहीं रहता इसमें। कितने लोग रहते हैं इस गाँव में पूरे, कितने लोग निवास करते हैं? कितने अब इस वार्ड में तो 14-15 घर हैं जी। तो शासन से क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं जो नियम आया है उसको किया जाए पूरा, पानी चालू हो जाए, घर घर पानी मिला, सब मिलना चाहिए सबको, जब योजना आया है। देखिए यह विषय आपके माध्यम से मेरे संज्ञान में आया है, निश्चित ही हमारी सरकार हर घर को जल देने के लिए, हर गरीब को छत देने के लिए, हर व्यक्ति को खाद्यान्न देने के लिए कृत संकल्पित है, और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री परम श्रद्धेय शिवराज सिंह चौहान साहब और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बारे में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और हर स्तर तक जाकर गरीबों के लिए खाद्यान्न और जल की व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन यदि कहीं ऐसी कोई चूक हुई है या कोई कमी पाई गई है तो उसको मैं निर्धारित फोरम में उठाऊंगा, जिले के कलेक्टर और पीएचई विभाग से बातचीत कर उसको जल्दी सॉर्ट आउट कराने का प्रयास करूंगा और इस मामले को तह तक जाते हुए जल्दी से जल्दी गरीबों को लाभ मिले, नल जल योजना का लाभ मिले, इसके बारे में मेरे द्वारा पहल की जाएगी। कैनन न्यूज के लिए उमरिया से आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट।